मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सनवर पटेल कटनी प्रवास पर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार सभी लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करें, हमारा लक्ष्य 10 लाख से अधिक वोटों से खजुराहो सीट जीतना है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष नवाब खान ने अपना एक वर्ष का लेखा जोखा भी डॉक्टर सनवर पटेल को सौंपा और बताया कि कटनी जिले में अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से सरकार की उपलब्धि व योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, पूरा देश एक ही मोड में है। कैसे देश का जो विकसित देश हमारा बन रहा है, जो स्वर्णिम हमारा देश बन रहा है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, और हम खुशकिस्मत है, हम सौभाग्यशाली हैं कि कटनी जो क्षेत्र है, ये खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश के प्यारे हमारे लाडले नेता जो प्रदेश के अध्यक्ष है माननीय बीडी भाई साहब विष्णुदत्त शर्मा जी, वो प्रत्याशी हैं। तो आज उसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए हैं, और कटनी के हमारे जो हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, इनका जो यहाँ काम है वो देखने पर ऐसा लगता है कि एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। आज कटनी ने, हमें लगता है कि यह अहद कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और कटनी से और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ऐतिहासिक मतों से मुझे लगता है कि विजय होंगे, और हो सकता है कि ईश्वर करे या पूरे देश की सबसे बड़ी जीत हो। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब के चुनाव संपर्क अभियान में हमारे प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल साहब का अल्प प्रवास पे कटनी आना हुआ। इस दौरान हम लोग मुस्लिम बाहुल्य जो हमारे बूथ है, जहां पर हम कुछ मतों से पिछले चुनाव में विजय नहीं हासिल कर सके थे, उन बूथों को हमने संकल्प के तौर पे जीत दिलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, घर घर दस्तक अभियान। उसी अभियान से जुड़कर डॉक्टर सनवर पटेल आज हम लोग के बीच में आए, लोगों के बीच में गए, लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित किया।